तो चलिए आज की क्लास में हम सब लोग अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स में बालाजी प्रकाशन से। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज का जो आंकिक प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो जब स्विच बंद हो नंबर एक और नंबर दो स्विच के खुला हो। तो सबसे पहला स्विच क्या हो, बंद हो। स्विच क्या हो, बंद हो। स्विच मतलब एस, एस अगर जब बंद होगा तब क्या होगा। अगर एस बंद है तो यहां से मान लेंगे हमने आई धारा बह रही है, ऊपर हमने आई वन धारा भेजी है, तो इस ओर कितनी धारा आएगी, आई माइनस आई वन। जितनी आ रही है आई है, कितनी ऊपर चली गई आई वन, बची कितनी आई में से आई वन जो ऊपर चली गई निकाल दो, वो इधर जाएगी। इस वाले में धारा कितनी जाएगी, आई माइनस आई वन। अब ये आई वन धारा इसमें जाएगी तो यहाँ पर आई वन आकर के रुकेगी, आई वन बटेगी। यहाँ पर हमने आई टू धारा भेजी और इससे कितनी धारा बचेगी, आई वन माइनस आई टू, यही तो बचेगी ना। इधर से कितनी धारा जा रही है, आई टू जो गई, आ कितनी रही, आई वन। इधर से हमने आई टू भेज दिया तो बची कितनी हमारे पास, जो आ रही है, जो निकाली गई, कितनी निकाली गई I1 से I2, वो घटा देंगे, वही उधर जाएगी। अब I2 धारा इसमें जाएगी, I2 धारा इधर से आ रही और इधर से I माइनस I1 आ रही, तो इधर से कितनी जाएगी, I माइनस I1 प्लस I2। आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग, ये दोनों आपस में जुड़ करके इधर से जाएंगी और पुनः वापस कौन सी धारा आएगी, I आएगी। अब हम यहाँ से लूप लेंगे फर्स्ट सेकंड। अच्छा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये केवीएल नहीं, ओ ये संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। 6/12, 6/12 वो बराबर नहीं है 12/6 के। इसका हमने ट्रिक भी बताया था, एक वीडियो पढ़ा है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, वो कैसे सॉल्व होगा अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड, उसका ट्रिक भी बताया है, उसमें देख लीजिए। ये दोनों बराबर कहाँ है, बराबर नहीं है। ये क्या है, हमारा अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, बराबर नहीं है, तो बीच में धारा तो जाने वाली है। अब यहाँ से लूप लेंगे, इसमें ऐसे हम जाएंगे, नाम दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। तो पहला क्या हुआ, ए बी ई एफ ए, लूप फर्स्ट है, ए बी ई एफ ए, ई एफ ए में के वी एल से। इसका सेकंड वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर को सब समझ में आ जाएगा। ए से बी जाएंगे, जब ए से बी जाएंगे जिस ओर हमें उसी ओर धारा, यानी 6I1। बी से ई जाने पर बी से ई जिस ओर हमें उसी ओर धारा, लेकिन कुछ लगा ही नहीं तो छोड़ दीजिए। ई से एफ जाएंगे, अब ई से एफ जिस ओर हम जा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा, तो माइनस की धारा कितनी है, आई माइनस आई वन, प्रतिरोध कितना है 12। अब एफ से कहाँ आना, ए, एफ से ए कुछ लगा ही नहीं छोड़ दीजिए, बराबर में 0। तो 6I1 ये टोटल इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 12I और ये माइनस का 12I1, ठीक है ना, ये टोटल माइनस का था इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 12 का गुणा आई से तो 12I, 12 का गुणा I1 से तो माइनस 12I1। हल करेंगे, I1 को इधर ले जाएंगे तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18I1 बराबर 12I, 12 कन 12, 4 तियाँ 12, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 छक 18, 6 से काटिए, 6 से तो कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। I1 का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2I के बटे में 3, ये मिल गया हमको। अब ये वाला हम ले रहे हैं लूप, इसमें हम ऐसे जाएंगे, बी से सी, लूप सेकंड है, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से बी में के वी एल से। तो बी से सी जाएंगे पहले, बी से सी जिस ओर हमें उस ओर धारा, यानी चिन्ह प्लस का हो जाएगा, धारा कितनी है, आई वन माइनस आई टू, प्रतिरोध कितना 12। सी से डी कुछ लगा ही नहीं छोड़ दीजिए, डी से ई, डी से ई जानेंगे जिस ओर हम उसकी विपरीत दिशा में धारा, माइनस, धारा कितनी है, आई माइनस आई वन प्लस आई टू,
गुणा प्रतिरोध कितना है 6। अब ई से बी, ई से बी जाएंगे, कुछ लगा ही नहीं, स्विच ही तो है, बराबर में 0। अंदर गुणा कराएंगे तो 12i1 माइनस का 12i2, 6 का गुणा माइनस 6 है ना, आई से कराएंगे तो माइनस 6i, माइनस 6 का गुणा i1 से तो माइनस माइनस प्लस का 6i1, माइनस 6 का गुणा i2 से तो माइनस 6i2, बराबर में 0। हल करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 6i1 12i1 टोटल 12 और 6 18i1, 6i2 माइनस का 12i2 माइनस का 18i2 हो जाएगा, और 6 इधर ले आएंगे i। अब देखो 6 सब में कॉमन है, तो 6 से भाग कराएंगे तो 6 3 18 और 6 3 18 और 6 51 6, ये i2 था, ये i1 था, ये i था। अगर i1 का मान हम रखेंगे, i1 कितना आया था, 2/3 आई, रख देंगे यहाँ पर, तो 3 गुणा i1 का मान 2/3 आई, 2/3 आई, माइनस 3 i2 बराबर में 6 कैंसिल हो गया, i बचा, ये इधर लो, i को इधर ले आओ, 3 से 3 कैंसिल, 2i, ये वाला i इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और 3i2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, i2 का मान निकालेंगे तो 2, ये कितना बचेगा, i तो बचेगा, और 3 नीचे आ जाएगा तो i/3, i2 का मान आ गया। तो अब हमको करना क्या है कि तीसरा वाला लूप लेने के लिए हम इसके बीच एक सेल लगाते हैं, यानी बैटरी लगाते हैं, जिससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई, ठीक है। तो अब हम तीसरा वाला लूप बना रहे हैं, लूप थर्ड है, बाहर से ला रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं एक्स और इसको नाम दे रहे हैं वाई, तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, ठीक है। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं, ये ए था, ये बी था, सेम वही चीज है, ठीक है। हम यहां से शुरू कर रहे हैं, इसको ए बी की बजाय हम थोड़ा सा नंबरिंग देने में वो हो गया है, ए हो गया, ये बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये बी है, ये बी है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे स्मॉल है, स्मॉल बी है, बस, ठीक है ना, वही चीज है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है, चित्र में ये चीज दिया गया है। अब ठीक है, तो हम शुरू करें, पहले ए से ए जाएंगे, ए से ए, ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे सी, सी से आएंगे बी, और बी से आएंगे वाई, और वाई से जाएंगे एक्स, और एक्स से आएंगे ए पर, केवीएल लगाएंगे। बाहर बाहर वाला लूप लिया है, बाहर बाहर वाला लूप, बैटरी को शामिल जरूर करना अनबैलेंस्ड वाले में, अनबैलेंस्ड वाले में बैटरी को शामिल जरूर करना है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ए से ए जाने पर कुछ लगा ही नहीं, छोड़ दीजिए ए से ए के बीच में, ए से बी जा रहे थे, जिस ओर हमें उसी ओर धारा, धारा कितनी, i1, और 6 का गुणा i1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। बी से सी, जिस ओर हमें उसी ओर धारा, यानी चिन्ह तो प्लस आएगा, कितना है, धारा गुणे प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है 12, 12 × 12 i1, 12 × 12 i2, माइनस का था, माइनस का। अब सी से बी आएंगे, सी से बी कुछ लगा नहीं, छोड़ दीजिए, बी से वाई आएंगे, बी से वाई भी कुछ नहीं लगा, छोड़ दीजिए, वाई से एक्स जाएंगे, वाई से जब एक्स जा रहे थे तो पहले क्या मिला, माइनस का भी, तो माइनस भी, और फिर एक्स से कहाँ आना हमको, ए, एक्स से ए आना, कुछ लगा नहीं, छोड़ दीजिए, बराबर में क्या करेंगे 0, ए से ए पर आ गए, वी को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इधर हल करेंगे तो 12 और 6 18 i1 माइनस का 12 i2। अच्छा, v क्या है, v है AB के बीच विभवांतर, AB के बीच विभवांतर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, धारा कितनी है A प्रवाहित करा रहा है, ये i, A और B के बीच विभवांतर कितना है RAB, v बराबर IRAB, ये पूरे के पूरे प्रतिरोध को कितना वोल्टेज दे रहा है, वी वोल्टेज ही तो दिया जा रहा है, कितनी धारा है, आई धारा है, आई धारा है, और कितना प्रतिरोध है इसके बीच में RAB। तो यहां से 18 i1 का मान रखेंगे, i1 का मान हमारे पास है 2/3 i, माइनस 12 i2 का मान रखेंगे i/3,
बराबर में वी बराबर क्या है आई इंटू आर, किसके बीच, ए और बी के बीच। आई सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तीन छक 18, तीन चौक 12, छः दूनी 12, चार इक्कन 4, घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8। आर ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना आ गया, 8 ओम का आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड इसका क्या कह रहा है, अगर एस जो है खुला हो, एस जो है खुला हो, अगर एस खुला है तो इसमें धारा कितनी जाने वाली, जीरो जाएगी। अगर धारा जीरो जाएगी तो बीच वाले लगाने से या ना लगाने से कोई मतलब नहीं है, बीच वाला लगाओ चाहे ना लगाओ। तो सेकंड वाले केस में यानी कि कुंजी के खुली है, स्विच के खुला है, तो इसको लगाने से कोई मतलब नहीं। अब धारा ऊपर, ऊपर दोनों श्रेणी क्रम, नीचे दोनों श्रेणी क्रम, लास्ट में समांतर। 6 और 12 कितना हो गया, 6 प्लस 12 कितना हो गया, 18 ओम। नीचे 12 और 6 कितना हो गया, 18 ओम। ठीक है, ये हमारा आर डैश होगा, ये हमारा आर डबल डैश है। आर ए और बी के बीच कितना हो जाएगा, 18 गुड़े 18 ऊपर गुड़ा नीचे दोनों का जोड़, 18 18 36, 18 1 18, 18 2 26 36, 2 1 2 2 9 18। यानी आर ए बी कितना आ जाएगा इस केस में, 9 ओम का आएगा। ये तो हमने कल के क्वेश्चन में पिछले वीडियोस में देखे भी हैं कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चित्र में प्रतिरोध सी डी में धारा और तथा बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो ये हमारा परिपथ दिया गया है, इसमें सी डी के बीच जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान निकालना है, और फिर इसके बाद क्या निकालना है हमको, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और यहाँ पर सेल जो दिया गया है 14 वोल्ट का, उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है यानी नगण्य है। इस वाले डायग्राम को हम यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो 5 5 10 हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पर कर दिया उसको ला करके, और ये 5 5 10 हो जाएगा, तो 10 हमने यहाँ पर कर दिया। ये 5 ओम का, ये 5 ओम का, ये 5 ओम, ये साथ में ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आसान करके परिपथ ऐसा बनाया गया है, अब इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर हम इसमें धारा का वितरण कराएंगे तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा घूमेगी, आई धारा जा रही है तो आई धारा वापस आने वाली है। बिंदु बी पर आ करके ये धारा आई जो है बंट जाएगी। हमने मान लिया इस ओर जो विद्युत धारा हमने भेजी है वो, इस ओर जो धारा भेजी है वो आई वन है। कितनी आ रही है टोटल, आई, इस ओर आई वन चली गई तो बची कितनी, आई माइनस आई वन। ठीक है, इस ओर धारा आकर के बटेगी, ऊपर धारा हमने आई वन भेजा तो बची कितनी हमारे पास, आई आ रही थी जो चला गया उसे निकाल देंगे तो बचा कितना, आई माइनस आई वन, वो इधर से जाने वाली है। यहाँ पर जब आई वन धारा आकर के रुकेगी तो यहाँ पर भी धारा बंट जाएगी। हमने मान लिया इस ओर जो धारा है वो हमने आई टू भेज दी, कितनी भेज दी इस वाले में धारा, आई टू। कितनी आ रही है, सी पर धारा आ रही आई वन, इधर से आई टू चली गई तो बची कितनी हमारे पास, आई वन माइनस आई टू, है ना। यहाँ से धारा आई आई वन जो चली गई है उसे निकाल देंगे, कितनी आ रही थी आई वन, इधर आई टू चली गई तो आई वन से ये वाला हम निकाल देंगे, उतनी इधर चली जाएगी। इधर से कौन सी धारा आ रही है, आई माइनस आई वन, ऊपर से कौन सी धारा आ रही है, इस ओर से आई टू आ रही है। तो आने वाली धारा का देखो, इधर से आई टू आ रही, इधर से इतनी आ रही, तो इस ओर से कितनी जाने वाली है धारा, आई माइनस आई वन ये वाली धारा, और प्लस आई टू ये वाली धारा, और इस ओर से धारा आई वन माइनस आई टू चली जाएगी, और ये पुनः आपस में मिल जाके क्या बना देंगी, आई। ठीक है, सभी तो आई से ही टूटी है, ये इतनी धाराएं किससे टूटी थी, आई से टूटी थी, और फिर से सब लोग मिल करके आई ही बना देंगी। ठीक है, इसमें हम चेक करें क्या ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो अगर हम देखेंगे तो एक विकर्ण में
एक विकर्ण में देखो, एक विकर्ण में हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी, और बीच में क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात यानी 5/10 और ये कितना है 10/5 बराबर नहीं है। इसका नाम अगर R1 है तो 5/10 बराबर कितना है 10/5, ये बराबर नहीं है। ये 1/2 है, ये 2 आ रहा है, ये बराबर नहीं। यानी यह एक कौन सा है, असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। यह एक असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। फिर आगे अब क्या करेंगे, हम यहां पर हम केवीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवीएल। ये हमारा पहला लूप बना, केवीएल में लूप चुनना पड़ता है, और ये बंद लूप यानी बंद पथ दूसरा बना, ये पहला बना, ये दूसरा बना, और ये बड़ा वाला तीसरा। ठीक है, तो पहला लूप हमारा हमने क्या चुना है, फॉर लूप फर्स्ट, कौन सा है, ये वाला है। हम ऐसे आएंगे इस लूप में, बी सी डी एच बी, बी सी डी एच बी में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, केवीएल से। ठीक है, तो पहले हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, बी से सी जाएंगे। बी से सी जाने पर हम जिस ओर हैं उसी ओर धारा यानी चिन्ह प्लस, धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है 5। फिर सी से किधर आना है, डी की ओर। सी से डी जा रहे थे जिस ओर हम उसी ओर धारा, धारा कितनी I2, प्रतिरोध कितना है 5। फिर डी से एच आना है, ठीक है ना, डी से एच आने के लिए जिस ओर हम उसकी विपरीत दिशा में धारा है, हम आ रहे नीचे, धारा जा रही ऊपर, तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का। धारा कितनी है I-I1 गुणा प्रतिरोध कितना है 10। अब हमको H से किधर आना, B की ओर। H से भी कुछ लगा नहीं, ना तो सेल ना तो बैट प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे इसे। और फिर इसके बाद B से शुरू किए, B पर आ गए यानी लूप बंद है, और इन दोनों का विभव का अंतर, B का और B का विभव का जो अंतर आएगा, दोनों विभव समान है, इन दोनों इसका किसी एक बिंदु का विभवांतर जो होता है शून्य होता है, क्योंकि उसका विभव तो समान होता है ना। अंदर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 I1 5 × 5 I2 माइनस I हो जाएगा, गुणा 10 से कराएंगे माइनस 10 I, ये माइनस माइनस प्लस, I1 का गुणा 10 से कराएंगे तो 10 I1 बराबर में 0। अगर हम यहाँ से हल करेंगे तो 10 I1 5 I1 टोटल कितने हो गए, 15 I1। I को हम इधर लाएंगे, प्लस का कितना बच रहा, 5 I2, और 10 I इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 I। 5 सभी में कॉमन है तो 5 से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे, तो ये कितना बचा, 5 × 15 3 I1 5 × 5 I2 बराबर 5 × 10 2 I, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं, अब हम सेकेंड वाला लूप चुनेंगे। सेकेंड वाला लूप हमारा ये है, शुरुआत कहाँ से करेंगे, सी से ही शुरुआत कर रहे हैं, सी से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सी से जी, जी से ए से डी, डी से सी, फॉर लूप सेकेंड सी जी ए, फिर इसके बाद डी, और फिर इसके बाद सी में कौन सा रूल अप्लाएंगे, केवीएल से। ठीक है ना, पहले हम सी से जी जाएंगे, तो जिस ओर हम है उसी ओर धारा है, चिन्ह प्लस हो जाएगा, धारा कितनी है I1 - I2 गुणा प्रतिरोध कितना है सामने 10। अब जी से ए आना कुछ लगा ही नहीं, छोड़ दीजिए। ए से डी जब जाएंगे तो हम आ रहे हैं नीचे, धारा जा रही ऊपर, तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का। धारा कितनी है I-I1 + I2 गुणा प्रतिरोध कितना है 5। अब सी से जी हो गया, जी से ए हो गया, ए से डी हो गया, अब डी से कहाँ आना है हमको, डी से आना है सी की ओर, तो जिस ओर हम है उसकी विपरीत दिशा में धारा, तो चिन्ह माइनस, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है 5 बराबर में 0। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, थोड़ा सा सरल कर लेंगे,
10 का अंदर गुणा करेंगे, 10i1 - 10i2, माइनस का 5 है, आई से गुणा करेंगे -5i, -5 का गुणा i1 से कराएंगे तो -, प्लस का 5i1, और -5 का गुणा i2 से कराएंगे तो -5i2, और ये -5i2 बराबर में 0। अब हल करेंगे तो ये कितना बचेगा, i1 10 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 10 और 5 15i1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 10i2 है, 5i2 माइनस का, 5i2 माइनस का, 10i2 माइनस का और 10i2 माइनस का, टोटल कितने हो गए 20i2 माइनस के। i वाले पोर्शन कितना बचा, केवल माइनस का 5i बचा है ना, और ये इधर आएगा तो प्लस का 5i हो जाएगा ना। ठीक है, देखो सभी में 5 कॉमन है तो 5 से भाग करा देंगे, तो 5 तीन 15, 3i1, 5 चौक 20i2, 5 इक्कन 5i, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। अगर हम यहाँ से इन दोनों को घटा दें, अच्छा इसका 3i यहाँ पर है, 3i1 यहाँ पर है, घटाएंगे तभी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ करेंगे क्या कि i1 i2 के मान i के फॉर्म में निकाल लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा 3i है, इसमें से घटाना है तो ये घटाना है i2 सेकंड वाले को, तो इसका चिन्ह प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस था, प्लस था माइनस हो जाएगा। तो 3i - 3i1 कितना बचा 0। i2 ये 4i2 प्लस का और ये i2 प्लस का, तो कितने i2 हो जाएंगे 5i2। ये i हो गया माइनस का और ये क्या था 2i प्लस का, बचा कितना i, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5i2 में 0 ऐड करेंगे तो 5i2, i2 का मान कितना आ गया i/5। ठीक है, और ये मान अगर हम यहाँ पर रख दें इक्वेशन सेकंड में ही, या फिर हम कुछ ना करें इक्वेशन फर्स्ट में 4 से गुणा करा दें, तो 4 तीन 12i1, 4 इक्कन 4i2, 4 दूनी 8i। अब इसमें ऐड कर दें इक्वेशन सेकंड, ऐड कर दें तो 12i1 ये है, 3i1 ये है, टोटल कितने i1 हो गए 15, 4i2 प्लस का, 4i2 माइनस का, बचा कितना 0, 8i प्लस का, 1i प्लस का, 9i हो जाएगा। हल करेंगे i1 का मान चाहिए हमको, तो फिर 3 9 5 15 3 3 9, तो 3i/5 ये बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, i1 i2 के तो मान मिल चुके, अब हम लूप लेंगे यहाँ से, अब की बार लूप थर्ड ले रहे हैं, B से H, H से D, D से A, और A से यहाँ पर हम नाम दिए दे रहे हैं इसका F, और F से कहाँ पहुँचेंगे B पर, KVL से बैटरी को शामिल करना, चाहे बाहर बाहर वाला लूप लो और चाहे भीतर भीतर वाला लूप लो ताकि बैटरी शामिल हो। तो पहले B से H जा रहे थे, कुछ है ही नहीं, छोड़ दो, H से D जाएंगे, जिस ओर हमें उसी ओर धारा है, तो प्लस का चिन्ह, धारा कितनी है I - I1, प्रतिरोध कितना है गुणा में 10, और फिर D से A आना है, जिस ओर हमें उसी ओर धारा, यानी चिन्ह प्लस का, धारा कितनी है I - I1 +I2 गुणा प्रतिरोध कितना है सामने 5, और फिर A से किधर आना F, कुछ नहीं छोड़ दीजिए, F से आएंगे B, तो पहले सेल का माइनस मिला तो -14 = 0। अब अंदर गुणा कराएंगे तो ये 10i माइनस का 10i1, 5 से गुणा कराएंगे तो 5i माइनस का 5i1,
और ये प्लस का 5i2 बराबर में 14 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 10i और 5i मिलके कितने हो जाएंगे, 15i। 10i1 माइनस 5i2 माइनस 15i1, i1 5i2 प्लस का प्लस में लिख दो बराबर में 14। i1 i2 के मान रखो तो 15i माइनस 15, i1 का मान कितना है 3/5i, प्लस 5 गुणा i2 का मान कितना है i/5 बराबर 14। 5 × 15, 5 से 5 कैंसिल, 15i माइनस का ये कितना 3 × 3 9i और ये 5 1 × 1 1i बराबर में 14। तो 15 और 1 16i माइनस 9i बराबर 14, घटाएंगे तो कितना 7i बराबर 14, यानी i बराबर कितने एम्पियर आ गए, 2 एम्पियर धारा आ रही। और हमको R इक्विवेलेंट चाहिए, अगर जो R इक्विवेलेंट जिसे हम R BA या AB कहते हैं, A और B के बीच, तो R बराबर V अपान I पढ़ा है। A और B के बीच विभवांतर कितना है, A और B के बीच यानी तुल्य धारा कितनी है, इससे विभवांतर कितना है 14, धारा कितनी I का मान कितना है 2 × 2 = 14, 14 ओम आ गया इसके बीच प्रतिरोध, धारा हमको पता चल गई। अब हमको क्या चाहिए, CD में धारा, CD में कौन सी धारा, I2 है, तो I2 का मान चाहिए, I2 का मान हमको चाहिए। तो I2 बराबर कितना है, देखो I/5 है, I का मान कितना है 2/5, 2/5 मतलब 0.4 एम्पियर, ये हो जाएगी I CD का मान, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।